ऊंची ब्याज दरों और घरों के दाम में बढ़ोतरी के बाद अक्सर ऐसा होता रहा है कि घरों की बिक्री में कमी आ जाती है, लेकिन कोरोना के बाद से घरों की डिमांड पर हर तरह की बुरी खबर बेअसर है। अब क्रिस्टल रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि घरों की बिक्री में 8 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह अनुमान टॉप 6 शहरों के डेवलपर्स की राय के बाद लगाया गया है। जानकारों का भी मानना है कि घरों की बिक्री के सेंटिमेंट्स में मजबूती का दौर बरकरार है। रियल एस्टेट पिछले कई साल से जूझ रहा था और इसमें ग्रोथ पाथ काफी टाइम से एक्सपेक्टेड था, अब ये ग्रोथ पाथ आ गया है। हमने देखा कि ये वृद्धि अक्रॉस इंडिया हो रही है। कुछ माइक्रो मार्केट में देखा गया है कि वृद्धि 20 से 30%, कहीं की जगह तो 40% भी सेल में इजाफा है, और कुछ माइक्रो मार्केट में 8 से 10% की वृद्धि है, जैसे NCR में प्रोजेक्टेड किया गया है। यह बढ़ोतरी प्राथमिक रूप से देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, हमारा अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण काफ़ी बढ़ा है, और लोगों में कोविड के बाद अच्छे घर और लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट, तीनों सेगमेंट में डिमांड इंक्रीज हुई है। घरों की बिक्री बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलने का अनुमान है। क्रिस्टल रेटिंग्स के मुताबिक लगातार मजबूत कलेक्शन और कम कर्ज का स्तर डेवलपर्स के क्रेडिट प्रोफाइल को मजबूत करेगा। मध्य, प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में डिमांड बढ़ने से पिछले 2 साल में घरों की मजबूत बिक्री हुई है। जानकारों के मुताबिक घरों की बिक्री में बढ़ोतरी की वजह घरों की मांग, तेज आर्थिक विकास और हाइब्रिड वर्किंग मॉडल है। खासकर प्रीमियम घरों की डिमांड को बढ़ते स्पेस की जरूरत ने तेजी से बढ़ाया है। अगर आप दुनिया की हालत देखो तो बिल्कुल ऑपोजिट है, काफी इन्फ्लेशन है, ग्रोथ रेट नहीं है, एंड यूरोप के अंदर अपनी समस्याएं हैं, US के अंदर अपनी समस्याएं हैं, तो आगे का आने वाला टाइम होम सेल्स के लिए इंडिया के अंदर काफी अच्छा और पॉजिटिव होने वाला है। क्रिस्टल ने अपनी रिसर्च जारी करने के लिए 11 लिस्टेड और 76 दूसरे डेवलपर्स से बात की थी। इसके बाद दावा किया गया है कि 11 बड़े डेवलपर्स की बिक्री 2022-23 में 50% बढ़ी है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में बिक्री बढ़ने की दर 20% रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुनाफे में सबसे बड़ा रोल प्रीमियम घरों का है, जहां पर बचत की ज्यादा गुंजाइश है। इसका सबसे ज्यादा फायदा भी लिस्टेड डेवलपर्स को मिल रहा है। 2019-20 के 16 से 17% के मुकाबले उनकी हिस्सेदारी 2023-24 में 30% होने का अनुमान है। बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मौजूदा प्रोजेक्ट्स में बेहतर बिक्री, बैंकों से मिलता फाइनेंस और ग्राहकों से मिलता समर्थन भी शामिल है। जिन शहरों का जिक्र क्रिस्टल की इस रिपोर्ट में किया गया है, उनमें मुंबई, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद शामिल हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।